हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस गेट बी कंसेप्ट। वीडियो में हम बात करते हैं मसल। तो आज हम बात करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस तरीके से कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है उस कहानी को हम पढ़ते हैं ना। हमने पिछले सेशन में देखा कि किस तरीके से ट्रोपोनिन सी सबयूनिट पर कैल्शियम बाइंड होने से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ये कैल्शियम आया कहाँ से, इसकी कहानी को हम पढ़ते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है इस ब्रेन में जो मोटर एरिया है इस मोटर एरिया से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। ये मोटर एरिया है, और इस मोटर एरिया से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मोटर न्यूरॉन डिसोशिएट होते हैं, और ये मोटर न्यूरॉन आगे जाकर इंटरैक्ट करते हैं मसल फाइबर के साथ। ये मैं मसल फाइबर बना रहा हूं। मसल फाइबर के साथ जब इंटरैक्ट होंगे तो ये फॉर्मेशन करेंगे मोटर एंड प्लेट का। इसका फॉर्मेशन करेंगे मोटर एंड प्लेट, और ये मोटर एंड प्लेट इन न्यूरॉन की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी जो चेंज हो जाता है उसको थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक न्यूरॉन आया और इस न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर आप देखेंगे तो एसिटाइलकोलाइन को रिलीज किया, वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ, वेसिकल रिलीज हुआ तो सार्कोमियर रेटिकुलम या मसल की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, उस सार्कोलेमा में कुछ इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सार्कोलेमा में आपको कुछ प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे जिनको टी ट्यूबुल्स कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, टी ट्यूबुल्स कहा जाता है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हम देखें। ये क्या है? यह सार्कोलेमा मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटन मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जा रहा है। एसिटाइलकोलाइन, यहां आपको एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में है। ये एरिया जहाँ इंटरेक्शन होगा न्यूरॉन का सार्कोलेमा के साथ, इसको मोटर एंड प्लेट कह दिया जाएगा, मोटर एंड प्लेट कह दिया जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने से सार्कोलेमा पर जो सोडियम आयन के लिए, सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से जो लिगेनिकेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन होते हैं। खासकर आप देखोगे तो यहां पर आपको रिसेप्टर देखने को मिलेंगे, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर देखने को मिलेंगे, और जो रिसेप्टर आपको सार्कोलेमा पर देखने को मिलते हैं वो होते हैं निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं, और ये निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर लिगेनिकेटेड सोडियम चैनल को ओपनिंग, जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है आप देखेंगे तो लिगेनिकेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग होती है। लिगेनिकेटिंग सोडियम चैनल की ओपनिंग होने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है तो आपको डीपोलराइजेशन की सिचुएशन देखने को मिल जाती है, और ये डीपोलराइजेशन ईपीपी क्रिएट करता है, एंड प्लेट पोटेंशियल क्रिएट करता है, और इस एंड प्लेट पोटेंशियल की वजह से हमें डीपोलराइज स्टेट देखने को मिलती है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन पर आपके पास हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप लगे रहते हैं, 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते रहते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते रहते हैं, 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आते रहते हैं, और एक -60 mV का रेस्टिंग मेम्ब्रेन हमेशा मेंटेन रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन हमेशा बना हुआ रहता है। देखिए जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा तो ये मेम्ब्रेन क्या होगा कि डीपोलराइज हो जाएगी। अभी सिचुएशन कैसी है, बाहर की तरफ आपको पॉजिटिव आयन देखने को मिल रहे हैं, अंदर की तरफ नेगेटिव आयन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब डीपोलराइजेशन होगा तो बाहर की तरफ पॉजिटिव है लेकिन अंदर भी आप देखोगे तो एक मार्जिन तक आपको नेगेटिव आयन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल -30 mV पर चला जाएगा, और इसी सिचुएशन को आप क्या कह देंगे, डीपोलराइज स्टेट। ऐसा क्यों होगा,
क्या फायदा होगा डीपोलराइजेशन से। इस डीपोलराइजेशन से आप देखोगे -30 मिली वोल्ट के थ्रेशोल्ड से लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो कि एंटायर सार्कोलेमा पर अवस्थित है वो सब चीज़ ओपनिंग हो जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं सिचुएशन को कुछ ऐसा कर दूं, है ना, ये टी ट्यूबुल की बात होगी और इस टी ट्यूबुल के साथ आपको SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ बहुत सारा कैल्शियम आपके पास होगा, कैल्शियम इनके पास होगा, वो किस तरीके से काम करता है इसकी चर्चा मैं भी करूँगा। ये मोटर एंड प्लेट, और मोटर एंड प्लेट होने की वजह से एसिटिल्कोलाइन रिसेप्टर की वजह से सोडियम आयन इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम इन्फ्लक्स होने की वजह से लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल होने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही -30 मिली वोल्ट हुआ एक साथ सारे के सारे सोडियम चैनल ओपन हो गए, एक साथ सारे के सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जैसे ही टी ट्यूबुल पर आए, ये इम्पल्स जैसे ही टी ट्यूबुल पर आए तो टी ट्यूबुल से भी क्या हुआ, कैल्शियम रिलीज शुरू होना शुरू हो गया, कैल्शियम रिलीज शुरू हो गया क्या, तो आप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल कह सकते हैं। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, उससे पहले मैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी खोल देता हूँ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम चैनल भी खुल जाएंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के खुलने से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी खुल जाएंगे, और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चुनने की वजह से कैल्शियम आयन्स अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाएंगे, कहाँ, सार्कोप्लाज्म में, कहाँ आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आ जाएगा, और जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आएगा यहाँ से कैल्शियम ATPase काम करेगा, कैल्शियम ATPase काम करेगा तो इस कैल्शियम को यूटिलाइज करके किसका फॉर्मेशन करेगा, ATP का फॉर्मेशन। अब ट्रोपोनिन सी सब यूनिट को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ी थी, वो भी सार्कोप्लाज्म में कौन दे दी, किसने दे दी, कैल्शियम दे दी, और कैल्शियम ATPase ने ATP भी हमें दे दी, कैल्शियम ATP ने ATP में दे दी। तो इसका मतलब आगे अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन करवाना हो तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, जो हक्सले और हक्सले के थ्रू दी गई थी, हक्सले एंड हक्सले ने इसको प्रपोज किया था। ये कहते हैं कि जब कभी भी एक्टिन मायोसिन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक्टिन का मायोसिन के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो ADP हाइड्रोलिसिस होगा, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक होगी, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस किसका होगा, डेफिनेटली ATP का ही होगा। इसका मतलब जो ATP कैल्शियम ATPase ने बनाई अब वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही ADP का फॉर्मेशन हुआ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन इनिशिएट हो गया, इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, और इस एनर्जी प्रोड्यूस होने से एक पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ, इस एनर्जी के बनने से एक पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ जिससे थिन फिलामेंट जुझा, तो थिन फिलामेंट था इसके ऊपर आपको थिक फिलामेंट चलता हुआ दिखता है, ऐसे थिक फिलामेंट चलता हुआ दिखता है ना, थिन फिलामेंट के ऊपर थिक फिलामेंट चलता हुआ दिखता है जिसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। क्या होता है इसमें, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, मायोसिन अपनी जगह पर बना रहता है और एक्टिन उस मायोसिन हेड पर मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब मायोसिन को इंटरैक्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, ADP की जरूरत पड़ी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो गया, और जैसे ADP को मायोसिन ने यूटिलाइज किया हमें क्या देखने को मिलेगा,
पावर स्ट्रोक देखने को मिलेगा, मतलब आपको इंटरेक्शन वाली सिचुएशन को मिलेगी। और ऐसे केस में अगर मायोसिन एक्टिन से डिसोशिएट हुआ, मायोसिन को एटीपी चाहिए होती है जब इसको मायोसिन से डिसोशिएट होना हो, एक्टिन से डिसोशिएट होना हो, डिसोशिएशन फ्रॉम एक्टिन, एक्टिन से डिसोशिएट होना हो तो मायोसिन को क्या चाहिए, एनर्जी कौन देगा, कैल्शियम एटीपीएस देगा। लेकिन जब कंडीशन आ जाती है कि आपकी बॉडी का टोटल एटीपी डिप्लीट हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है राइगर मोर्टिस। उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, राइगर मोर्टिस कहा जाएगा, राइगर मोर्टिस कहा जाएगा, जो आफ्टर डेथ आपको देखने को मिल सकती है, आफ्टर डेथ मसल रिमेन्स इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है बॉडी। क्यों रहती है, इसका रीजन, इसका रीजन भी बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि फोर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एटीपी चाहिए होती है। अब एटीपी जब जिंदा रहते हैं तभी बना सकते हैं, मरा हुआ इंसान तो क्या एटीपी बनाएगा, नहीं बना सकता। तो ओवरऑल हमने देखा कि जब कभी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है तो मोटर एंड प्लेट पर आपको एसिटिल कोलिन की वजह से एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर होंगे टाइप होते हैं जो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल होते हैं। इन लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल में सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होता है। ये मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होता जाता है, होता जाता है, जहाँ रेस्टिंग पोटेंशियल जहाँ से -60 mV का होता है वो शूट करता है -30 mV पर, थोड़ा सा ज़्यादा 35 mV भी हो सकता है। जैसे थ्रेशोल्ड जनरेट होगा वहाँ आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, एंड प्लेट पोलराइजेशन आपको देखने मिलेगा, और जैसे ही सार्कोलेमा पर -30 mV की सिचुएशन आएगी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। मतलब अब वोल्टेज की वजह से सार्कोलेमा पर जितने भी सोडियम चैनल थे वो सारे के सारे आपको ओपन होते हुए दिखेंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हुए आप देखोगे तो जो टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल के एंड पर आपको कैल्शियम चैनल है उनकी ओपनिंग होती हुई दिखेगी। उन कैल्शियम चैनल के ओपन होने की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम आयन अब कहाँ आ जाएगा, आपके पास सार्कोप्लाज्म में आ जाएगा। अब ये कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्म में आया ये काम करेगा, तुरंत जाएगा ट्रोपोनिन सी सबयूनिट के साथ, ट्रोपोनिन सी सबयूनिट जैसे आएगा तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से डिसोशिएट होगी, फिर ट्रोपोमायोसिन डिसोशिएट होगी तो एक्टिन जो प्रोटीन है वो मायोसिन के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। अब मायोटिन इंटरेक्टिंग साइड एक्टिन के साथ मिक्स हो चुकी है तो वहाँ पे हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी। अब वहीं कैल्शियम आयन का एटीपी जो प्रोड्यूस करता है उसको यूज करते हुए मायोसिन क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलिसिस करेगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करते हुए थिन जो फिलामेंट है आपके पास, वो थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पर क्या करेगा, मायोसिन ग्लोबुलर हेड के साथ कॉन्टैक्ट करता हुआ आगे स्लाइड करेगा। इसको स्लाइड फिलामेंट थ्योरी के साथ हम कर लेते हैं। और जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एडीपी का फॉर्मेशन और एडीपी से मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिन मायोसिन का पावर स्ट्रोक, तो पावर स्ट्रोक के नाम से भी उन्होंने कहा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी उन्होंने कहा, और इस पावर स्ट्रोक के फॉर्मेशन में फिर से मायोसिन के डिसोशिएट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। मायोसिन एक्टिन से डिसोशिएट हो उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ये एटीपी की जरूरत कौन करेगा, हम बनाते रहेंगे। कि अगर मान लीजिए कि हमारा टोटल हमारी डेथ हो जाए, एटीपी हम नहीं बना पाए, तो उस केस में हो सकता है कि आपका एक्टिन आपके मायोसिन के साथ ही अकेले एसोसिएट रह जाए, जिससे एक रिजिडनेस क्रिएट हो जाती है जिसको कहा जाता है राइगर मोर्टिस। तो आप क्या कहेंगे, राइगर मोर्टिस कहेंगे। तो मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। तो हमने इन दो सेशन में बात करी जहाँ किस तरीके से प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जिनकी दूसरे पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में मेम्ब्रेन पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन ठीक है। इस सेशन में इतना ही, थैंक यू।